दुगनी स्थित गुरुद्वारा श्री सुखमनी साहिब के प्रधान ने जगदेव सिंह पूर्व प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 32 लाख रुपए के गरीब का घोटाला किया। यह बात उन्होंने मीडिया के रूबरू होकर कही और जब इस मामले में पूर्व प्रधान से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। मैं 2013 तो लैके हूँ तक मुख्य सेवादार दी सेवा निभा रहा। उस टाइम हुआ जी भी सरदार जगदेव सिंह ने 9 साल प्रधान जी की सेवा प्रधान रहे ने, तो उस कार्यकाल दे विच उन्होंने 32 लाख रुपए घपला तो उन्होंने फड़िया गया है जिहड़ियां उन्होंने रसीद बुकों में सीधी ही हेराफेरी की सी। रसीद बुकों गुरुद्वारा साहब मौजूद ने, उन्होंने जो टोटल है तो जो इन्होंने अपन बैलेंस शीटों में दिखाया वो 32 लाख का फर्क है, पर जिहड़ियां मिसिंग ने नहीं दित्तियां गई जे उन्होंने मिलाइए तो यह जो गबन है तो मेरा ख्याल 1-1.25 करोड़ तो उपरला हो जाऊगा। वो इस तरह है जी भी उस घपले को लुकाने वास्ते वो चाहते ने भी किसी तरह वो केस मेरा वापस नहीं, ज्यादा जगदेव सिंह जी चाहते ने भी आ मेरा घपला किसी तरह लुक जाए, क्योंकि उन्होंने उपर 2 परचे भी हो चुके ने पिछे जो उन्होंने बेटे ने मेरी दस्तार की बेदबी की उन्होंने सारे 295A का परचा होया। उस तो पहला भी 2013 के इलेक्शन भी उन्होंने 295A का परचा होया सी, वो सारे चक्कर तो बचने वास्ते वो किसी तरह उस दिन ऐसा होया सी जी भी उदन गुरु तेग बहादुर जी का अपना शहीद पुरब का प्रोग्राम चल रहा सी, ते जगदेव सिंह जी होर ने आके कुछ मतलब जिवें उन्होंने सुभाव है हमेशा ही आके पुट्ठा सीधा बोलते हैं, ईवन गंदियां गालां भी कढ़ते हैं, उन्होंने नीचे आके सेवादारां नूं कुछ गालां कढ़ियां कुछ माड़ा चंगा बोलिया तो गुरद्वारा साहब तो बाहर जाके सेवादारां नाल उन्होंने झगड़ा हो गया। उदू बाद उन्होंने 15-20 बंदे इकट्ठे करके दफ्तर में आके पुलिस मुलाजमान की मौजूदगी मेरी दस्तार लाई कुछ साढ़े मैंबर कुटमार की।